ओम सृष्टि वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं नर्मदेश्वर प्रचोदयात्। कि भारत माता तुम सुखदाता है जगदाता नाम तुम्हारे मैं गुण गाती तुम्हें मनाती है विख्याता अमित उदार अवतार। अरे मारे निशाचर कंसा विधि को दीनो भारी भार उतारी श्रोता बंधुओं, ईगल कैसेट के माध्यम से ये मध्य प्रदेश का आख्यान आपके समक्ष में लेके चल रही हूं, जिसका टाइटल है दगा किसी का सगा नहीं होता है। तो आइए देखिए, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी एक छोटा सा राज्य जहां महाराज कीरत सिंह राज करते थे, आइए कैसे राजा हुए देखते हैं। नीतिबान भूपाल सुनाऊं हाल सुनो सरदारी ओ चंद्रकला जकी रानी है पतिवीरता प्राणन प्यारी पतिवीरता प्राणन प्यारी
जिगर में उबारी, जिगर में उबारी, जिगर में उबारी। अरे रोई रोई की अश्वन से आई भीन गई जकी साड़ी। मेरे श्रोता बंधुओं, बड़े ही सुंदर राजा महाराज कीरत सिंह, लेकिन कोई पुत्र नहीं है। आइए बताया। अरे विधना की लीला है न्यारी, से महाराज कीरत सिंह का राज चल रहा है। प्राण प्यारी चंद्रकला, जो सुबह शाम पति के चरणों में ध्यान रखने वाली, बड़ी सेवा करने वाली मां, लेकिन विधाता ने एक पुत्र न दिया तो इसका महाराज को बड़ा दुख है। बंधुओं, एक दिन महाराज खोपड़ी से हाथ लगाकर बैठ गए, याद आ गई कि मेरे मरने के बाद इस राज का कोई मालिक दिखाई नहीं दे रहा। प्रभु क्या होगा? आंखों में आंसू भर के रोने लगे तो मैया पूछने लगी, स्वामी क्या बात है, आपका चेहरा उदास क्यों है? तो महाराज कहने लगे, प्रिय क्या बताऊं, भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन एक पुत्र के बिना मेरा सब कुछ बेकार है। रानी बताया, अरे कैसी तो रची है रे विधना लीला जान न्यारी। बोले अरे कैसी तो रची है रे विधना लीला जान न्यारी, बोले महाराज। अरे कौन से जन्म में रनिया पाप में कीने, जे हो और ताही के कारण करता
में आंसू भर रानी को सारा हाल समझाया और अपनी कचहरी दरबार के लिए चले जाते हैं। मेरे सज्जनों, इधर मैया अकेली आंगन में बैठी और सोचने लगी, हे विधाता, एक पुत्र की खातिर में अपने स्वामी को खुश नहीं कर सकी। आंखों में आंसू भर रो रही बोली, हे प्रभु, ये अंदर की गांठ विधाता ने नहीं खोली, नहीं तो मैं अपने स्वामी को खुश कर देती। हे नाथ, कि प्रभु तेने कैसी विपत्ति डाली, मेरी भयो न कोई लाल। बात किससे कहूं हे नाथ। कुछ समय के बाद दोनों ने भगवान से जब ध्यान किया तो प्रभु नर्मदेश्वर ने ऐसी कृपा की है कि मैया चंद्रकला जो थी भगवान नर्मदेश्वर की कृपा से जब गर्भवती हुई। मेरे बंधुओं, ऐसा ही नहीं, समय के साथ साथ जब नौ मास व्यतीत होने आए तो उसी समय कियो नर्मदेश्वर को ध्यान रे के सुन ले ओ कथा यगारी। मेरे दिल में बस गई है जाकी भोली सी सुरतिया।
सज्जनों, 9 मास के बाद मैया ने बड़े सुंदर बालक को जन्म दिया। देखा है महाराज कीरत सिंह ने तो बड़े प्रसन्न हैं। दान लुटाए जा रहे दास दासियों को, चारों तरफ मंगलाचार हो रहे और रानी भी बड़ी प्रसन्न है। बंधुओं ऐसा ही नहीं, अरे रानी है मंगन मन भारी, बच्चे को बार बार चूम रही है। और क्या बताया विद्वानों ने, हर कोई तो दुखी बिना परिवार के, कोई परिवार से दुखी अपा, हर काऊ के दुश्मन दुनिया वाले, तो काऊ को दुश्मन घर परिवार, कोई नहीं है जा दुनिया में तो दुखी ही बस है सकल संसार, ऐसे दीन बंधु भगवान के लीला का हुने नहीं जानी, जनो। इधर मैया बड़ी प्रसन्न थी, लेकिन महाराज कीरत सिंह का एक चाचा जो था वो बहुत जलता था और सोचता रहता था कि कब ऐसा मौका लगे जो राजा और रानी दोनों को मारा जाए और ये राज मुझे मिल जाए। मेरे सज्जनों, इधर तो वो दुश्मन घात लगाए बैठा है। एक दिन क्षीर सागर में विष्णु भगवान लेटे, लक्ष्मी मैया चरण दबा रही। अचानक भगवान का चेहरा जब उदास हुआ तो लक्ष्मी मैया प्रभु से पूछने लगी, महाराज बात क्या है, आपका चेहरा उदास क्यों हुआ? विष्णु भगवान कहने लगे, लक्ष्मी जी ये तो मृतलोक की बातें हैं, इन बातों से तुम्हें क्या मतलब? बोले, नहीं महाराज मुझे बताइए तो सही, बात क्या है आपका चेहरा इतना उदास? तो उसी समय मेरे बंधुओं भगवान कहने लगे, बोले नहीं अगर मानती हो तो सुनो लक्ष्मी जी, अपनी दृष्टि से देखिए रानी चंद्रकला की तरफ जो अपने बच्चे को गोद में लेके बड़ी प्रसन्न है। बोले, अरे ले बेटा को गोद ओ माता जुम्मन मेरे यार साथी, जय नए जीवन की खबर जिंदगी 2 दिन की बाकी, अरे जय
लक्ष्मी जी, रानी और राजा दोनों का काल निश्चित है। इन दोनों की मौत आ चुकी है। इनके महल पर काल चक्र का घेरा पड़ चुका है। अब इसमें दुख इस बात का है कि ये दोनों तो मरेंगे, लेकिन इस बीच में जो छोटा सा बालक है ये बेमौत मारा जाएगा। इसे कैसे बचाया जाए लक्ष्मी जी? अरे बड़ी रही हमको है रानी, बोले अरे बड़ी रही हमको है रानी, जुए का शाल को लला मोती जाऊ की मड़ रानी, सराई करी हम जाकी निगरानी। अरे तुम हारे पड़ी जकी अदफर में नैया, चला श्यामीत अदफर में नैया, और राम भजन बिनयो सुनील तेरी दमा डोल नैया, सज्जनों जो ही लक्ष्मी मैया को सारा हाल विष्णु भगवान ने बताया, मैया कहने लगी तो महाराज चिंता ना करो, इस बात के बारे में हम जरूर देखेंगे और जितना हो सकेगा मैं इस बच्चे की रक्षा करेंगे। तो भगवान बोले ठीक है लक्ष्मी जी। एक दिन मैया चंद्रकला चारपाई पर लेटी हुई थी अपने बच्चे को साथ लिए, मेरे बंधुओं, और इधर मैया चली है, माँ दुर्गा का रूप धारण किया, क्योंकि रानी चंद्रकला बचपन से ही बड़ी उपासक थी माँ दुर्गा की। तो मैया ने दुर्गे का रूप धारण कर, और आइए बंधुओं कैसे जाकर के समझाया सारा हाल। अरे सुखनी नमे सोई रही भैया रानी, सपनों ते रही याद रे भवानी, अरे देवी की सुनी थी जानी बानी 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 बानी, जैसे सारा हाल समझाया कि तुम दोनों का काल आ चुका है और तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, जितनी जल्दी हो सके इस महल को छोड़ के चले जाओ। उसी समय अरे खुली आँख जब महारानी की और कलिया सूठी भराई, जल झटक दुशाला दो सैया को और पैरन में गिरी कुलाई, और प्राण लप
प्यारे कंथ हमारे चलती महल से चलो सिदारी। अरे जब से सपनों में देखो है छाती धड़क धड़क ले जाई। सज्जनों, रानी जागते ही अपने पिया के चरण पकड़ लिए और बिलखती हुई अपने महाराज से बोली, प्रभु आज मैंने बहुत गलत सपन देखा, बहुत गलत सपन देखा है। मेरे महल पर काल चक्र का घेरा पड़ चुका है। प्रभु मुझे मैया ने बताया कि जितनी जल्दी हो सके इस महल को छोड़ के चले जाओ। और क्या बोली, रोई रोई कहने लगी समझ आई, पैर पकड़ ली ने महारानी। अरे साजन सुन ले बात हमार, सपनों दे गई आदि भवानी। मैंने पूजा करी थी सुबह और शाम, झूठो सपनों हमें न दिए। अरे तासों कड़ी चलू कंता हमार, बारो ईशो मेरो गोद खिलौना। अरे निकज की फिक्र करो महाराज, कछु नहीं देख पाओ दुनिया में। होनी होनहार बलिवान प्रभु गति जाति नहीं जानी। अपने महाराज से बोली, प्रभु इस महल को छोड़ के कहीं बाहर चलो, अगर मेरा बालक जिंदा बच जाएगा तो ये राज तो मैं दोबारा भी ले सकते हैं। इसलिए इस बच्चे की तरफ देखो, मैंने बहुत दिन के बाद ये बालक प्राप्त किया है, महाराज चलो ना। उसी समय मेरे सज्जनों, महाराज कीरत सिंह कहने लगे, प्रिय क्या पागल हो गई हो, एक जरासी स्वप्न के पीछे ये सारा राजपाट सारा धनराम छोड़ के मैं बाहर चला जाऊं। अरे जिस यश कीर्ति के लिए, जिस राज और धनधाम के लिए इंसान सारे जीवन पैदा करता है, सारे जीवन, और फिर भी उसको ये इतना बड़ा मान सम्मान यश कीर्ति नहीं मिलती, और तुम इस राज में ठोकर लगाना चाह रही हो। प्रिय ये बात मुझे स्वीकार नहीं है, सपने कभी अपने नहीं होते हैं, ये क्यों भूल गई हो रानी। मैया कहने लगी, महाराज तो माँ मुझे झूठा स्वप्न नहीं देगी, मेरी बात पर विश्वास करो और इस महल को छोड़ के इसी वक्त चलो। राजा ने जवाब दिया, बोले रानी मैं ये बात में सहमत नहीं हूं। माँ समझ गई तो कहने लगी, सुनो महाराज, मानो या ना मानो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन इतिहास उठा के भी देख लो, त्रेता युग में मर्यादा पुरुष श्री राम भी आए और समय आने पर उन्होंने राज छोड़कर 14 वर्ष जंगल में व्यतीत किए। क्या वो इंसान नहीं थे, वो एक परमात्मा होके भी समय के साथ उन्होंने भी अपने को मुड़ लिया प्रभु, और इसी में आपकी भी भलाई है। रानी समझा के बोली, सुनो महाराज, अरे एक से एक बड़े दुनिया में और विपता ने बेऊ सताए, और अपने जीवन की खातिर अपन खड़ में दुख उठाए। बोली
धन धाम छोड़ के महाराज आरे राज पाठ धन धाम छोड़ के और दुखी वे रघुराई अरे सीता हरण मरण दशरथ को बिरन की शक्ति समाई अरे सपिताई प्रभु फिर राजी अरे लौटी अवध में आए और अपने जीवन की खातिर अपन खड़ा में दुख उठाए कहा तो महाराज कीरत सिंह कहने लगे सुनो प्रिय अगर तुम यही कहती हो तो एक बात मैं भी आपसे कहना चाहते हैं क्या बोले जब तुम मां दुर्गा की इतनी पूजा करती हो और तुम्हें मैया दुर्गा पर इतना ही विश्वास है तो मैया तुम्हारी रक्षा भी करेंगी क्यों घबरा रही हो हा? मेरे बंधुओं मैया को जवाब नहीं आया आंखों में आंसू भर रोने लगी अब कैसे समझाऊं स्वामी बोली अगर यही कहते हो तो सुनो महाराज कर्म का फल हर इंसान को भोगना पड़ता है और द्वापर में देखिए प्रभु हर श्री कृष्ण भगवान सदा रहे ललक और पंडन के हितकारी कर न सके कछु जतन विपन में विपत्ति पड़ी अति भारी रानी बोली महाराज अगर आप रक्षा की ही बात कर रहे हो तो भगवान कृष्ण सदा पांडवों के साथ रहे और फिर भी जब विपत्ति आई तो पांडवों को भी भुगतना पड़ा हाँ भगवान साथ ही साथ रहे इसलिए महाराज इतने बेमूर्ख ना बनो अरे पंडन के जीवन की खातिर लला अरे तेरे पर सपिताई पंडवा फिर धर्म ध्वजा फोराए अपने जीवन की खातिर बन खड़ में दुख उठाए महाराज ने जवाब दिया बोले मैं इन झूठी बातों में विश्वास नहीं करते ऐसे स्वप्न के पीछे मैं राज छोड़ के रानी नहीं जाऊंगा मैया समझ गई कि ये नहीं मानेंगे और राजा ने क्या कहा मैं कोई ऐसे वैसे नहीं प्रिय बोले एक चिड़िया जग में ऐसी भई धरती पे पैर धरे कब हुए ना चिड़िया जग में ये शिवई धरती पे पैर धरे तब हुए ना और एक पपिया ये सो जीव भयो जय हो एक पपिया ये सो जीव भयो बिन परसी बूंद पिए कब हुए ना और अरे सूरजती रण में चढ़ के लला
अरे सूरजती रण में चढ़ के प्राण लटिया सतर दबहुआ जीवित मेहलत जी कवन रानी समझ गई कि महाराज नहीं मानेंगे, बड़े दुखी है बंधु। और उसी समय अपनी बांधी चंपादे को बुलाया और चंपादे को समझाया है कि बहन सारा हाल मेरे पिया मेरी बात तो नहीं मान रहे बहन, और मुझे माँ ने स्वप्न दिया है कि मेरा काल आ चुका है। तू ये काम कर बहन, मेरा ये छोटा सा नन्ना बालक जो है, इस बालक को तू बहन ले जा, मेरे पुत्र को बचा ले बहन। बोली कि बहना निकमे रिया राजा सुनी लियो करके समझाया, बहन इस बालक को ले जा और इतनी दूर ले जाना जहां कोई मेरा दुश्मन नजर ना आए बहन। और जब तू इस बालक को पाल के सयाना करेगी तो ऐसा ही नहीं, मैं तेरे लिए बहुत कुछ करूंगी। और क्या बोली रानी समझा के, सखीरी हम तो ही समझा भी बेटा सौंपी रही तेरे हाथ। अरे मेरे बेटा को बहन ले जाइयो, अरे मेरे बेटा को बहन ले जाइयो, काउ दुश्मन की नजर ना आइयो। हम तो
कोई पता भी बेटा सौंपी रही तेरे हाथ। और क्या बोली रानी बहना, हम तेरो सब एहसान चुका दूंगी जो जिंदा रही दुनिया में। बहना अगर जीवित रही तो इस एहसान के बदले इतना दूंगी कि तू जीवन भर उसे रख नहीं सकेगी। बहन अरे जीवन भर मेरे संग में रहियो, महलन में तुम मौज उड़ाइयो। और अरे जेवर से तोई सजाए दूंगी जो जिंदा रही दुनिया में। वहां तो रो रो करके रानी ने समझाया बांदी चंपा दे को, और अपना पुत्र बांदी को दिया मेरे सज्जनों, और कहा है बहन से ले जाओ। मेरे बंधुओं मैया रोती रह गई, अपने बालक को वहां से विदा कर दिया। रानी मैया चंपा दे उस बालक को लेकर के जब चली है तो महाराज का राज्य बहुत बड़ा था, दूर जाकर के उसी राज्य में बांदी रहने लगी। एक दिन क्या हुआ कि दुश्मनों ने राजा रानी दोनों को खत्म कर दिया। चारों तरफ नगर में ये शोर हो चुका था कि राजा रानी दोनों मार दिए गए, अब दुश्मन उस बच्चे को ढूंढ रहे हैं। तो बांदी को जो ही खबर मिली, बांदी सोचने लगी अब इस बालक को लेके कहां जाऊं, प्रभु कहां जाऊं। सोचने लगी, मन में सोचे खड़ी फिक्र है बड़ी, कहाँ को जाऊं, अब कौन जतन से गिरधारी बेटा के प्राण बचाऊं। जतन से गिरधारी लाला के प्राण बचाऊं। बोली अरे अपनों कोई न दिखाई, समझ न आई कहां छिप जाऊं कहां छिप जाऊं। हमले बेटा को पाल रे चाहे भी कमाम के खाऊं, हमले बेटा को पाल रे चाहे भी कमाल के। दुश्मनों के डर से बांदी ने उस बच्चे को लिया और चंपा दे बहु से चली मेरे बंधुओं उज्जैन नगर के किनारे जाकर के पहुंची। ऐसा ही नहीं रोती चीखती जा रही, हे नाथ मेरी रक्षा करो। कि तब सोच समझ की बांधी ने राजी और आगे की सीध लगाई है। समझ के
जब सूरत देखी बेटा की तब लीनो कंठ लगाई है। सज्जनों, बांदी उस बालक को लेकर उज्जैन नगर में पहुंची जहां महाराज सूरसेन राज करते थे। उनका मंत्री सुमंत, उसी का ऊंचा सा महल देखा। बांदी चंपादे उसी के दरवाजे खड़ी हुई तो मंत्री ने जो ही देखा, ये स्त्री बड़ी व्याकुल है, कहां से आई ये? तो पूछने लगे, क्या बात है बहन, इतनी व्याकुल क्यों हो? बांदी कहने लगी, भैया मुझे अपने यहाँ ठहर जाने दो, मेरे पीछे दुश्मन लगे हुए हैं, मेरे बच्चे को मार डालेंगे, मेरे बच्चे की रक्षा करो भैया, अपने यहाँ ठहर जाने दो। मंत्री अंदर लेके गया और जब उसे पानी यानी पिलाया और बांदी को बैठा लिया, उसके बाद पूछा, बहन अब बता दे, तुझे शांति है ना, अब बता क्या बात है? तो बांदी समझा के बोली कि हम तुम्हें कहा बताई दी, हितकारी मेरे कहा लिखी किस्मत में। हम तुम्हें कहा बताई दी, हितकारी मेरे कहा लिखी किस्मत में। रोकर के मैया ने जवाब दिया, अरे जा दुनिया में कोई ना हमारो, हमको दे दे तनिक सहारो। छूट गए सब परिवारी जन कहा लिखी किस्मत में, मेरे छूट गए सब और क्या बोली, अरे मेहनत करी 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 ही गुजारो तो पल जावे लला हमारो। हम महल न की रहने वाली जन कह लिखी किस्मत में, हम महल न की रहने बंधुओं। सारा हाल चंपादे ने बताया, कहने लगी, भैया मैं तेरे यहां मजदूरी करती रहूंगी, तेरा काम करती रहूंगी, तू दो रोटी देते रहना, मैं अपने बच्चे को तेरे सहारे पाल लूंगी। आज उसका दुख देख करके मंत्री ने अपने घर में उसे जगह दे दी। बोले तू बर्तन साफ करती रहना, काम करती रहना, मैं तेरे बच्चे को पलवा दूंगी। बंधुओं, धीरे धीरे मैया उसी मंत्री के यहां काम काज करती रही, अपने बालक को टूटे टुकड़ों से पालती रही पालती रही।
ऐसा ही नहीं, होनी ने पीछा नहीं छोड़ा। बंधुओं क्या हुआ, कुछ समय के बाद जब वो बालक सयाना हुआ, अरे एक दिना की बात रे के सुन ले ओ कथा अगारी, महाराज करम गति काहू ने नहीं जानी, आठ बरस को भयो शीश पे होनी मड़वानी, जाकी जो किस्मत में लिखी खेल विधनानी, नच डारे जाकी जो किस्मत में लिखी खेल विधनाने रच डारे, विधनाने रच डारे खेल विधनाने रच डारे, जाकी जो किस्मत में लिखी के भैया। सज्जनों पुत्र जब धीरे धीरे आठ वर्ष का हुआ, इधर मंत्री सुमंत जो था उसके एक पुत्र और पुत्री, पुत्री का नाम है विश्वा और पुत्र का नाम है मदनपाल। उस लड़की का जब जन्मदिन हुआ तो अपने गुरुदेव उद्दालक मुनि को बुलाया। बंधुओं चारों तरफ खाना पीना सारी व्यवस्थाएं चल रही, उद्दालक मुनि वहीं बैठे हुए, इधर दासी का पुत्र भी खेल रहा है। सज्जनों जैसे उस बालक की तरफ निगाह गई है, मुनिवर ने देखा कि ये बालक तो बड़ा होनहार लग रहा है। जब उस बच्चे की तरफ गुटगुटा के देखा, कभी उस पुत्री की तरफ गुटगुटा के देखा, तो मंत्री पूछने लगा, महाराज बात क्या है, कभी आप पुत्र की तरफ देख रहे कभी मेरी पुत्री की तरफ देख रहे हैं, इसका कारण क्या है। महाराज कहने लगे, बोले ये बताइए ये बालक किसका है। बोले महाराज ये हमारे यहां एक दासी जो है ना, एक नौकरानी है, ये उसी का बालक है। उसका बालक? हाँ। क्या महाराज कोई बात है क्या? बोले हाँ, इसकी हस्तरेखा और मस्तरेखा तो बड़ी सुंदर है, ये ऐसा लग रहा है कि कोई राजकुंवर हो। और क्या बोले लला राजीव, अरे देख कुमर को हाथ और सोच रहे मन मेरे तपधारी, अरे देख कुमर को हाथ सोच रहे मन में तपधारी, जूहे दासी को कुमर का किस्मत कैसी उजियारी, अरे जूहे जो ही मंत्री ने कहा तो महाराज कारण क्या बात क्या है मुझे ये बताइए। बोले अरे कही फिर मुनिवर ने बानी, अरे कही फिर मुनिवर ने बानी, हम सांची भेद बताए तो बड़ी राय तुमको हैरानी, अरे हम सांची भेद बताए तो बड़ी राय क्या? अरे लली तेरी रूप की अति प्यारी, हाँ अरे लली तेरी रूप की अति प्यारी, जूझ
जाई को दूल्हा पले पले तेरी बिटिया घरवाली जाई को जो ही इतना काहे मुनिवर ने बोले यही लड़का जो है तेरी पुत्री का पति बनेगा तेरा दामाद बनेगा। मंत्री ने कहा महाराज क्या कह रहे हो, ये दासी का पुत्र एक नौकरानी का पुत्र भला इसके साथ मेरी बेटी का विवाह ये कैसे संभव हो सकता है। बोले यही विधाता का लेख है और इसे कोई मेट नहीं सकता है। मेरे बंधुओं मुनिवर तो वहां से चले जाते हैं, इधर मंत्री ने सोचा कि हो न हो महात्मा जी की बात कहीं सच हो जाए, किसी दिन इस बालक को अपने दामाद के रूप में ना देखना पड़े, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मैं इस बालक को ही नहीं छोड़ूंगा। तो उसी समय बंधुओं जल्लादों को बुलवाया और कहे इस दुष्ट को ले जाओ, इसे मार के आओ जंगल में और इसका एक अंग काट करके मुझे दिखाओ, तब मेरे मन को शांति मिलेगी। प्रिय सज्जनों आज उन जल्लादों ने बालक को पकड़ लिया और जब पकड़ा है बांधने लगे उस बच्चे को, नहीं उस मैया को मालूम है वो दुखिया माँ अपने काम काज में इतनी व्यस्त है, उसे नहीं पता है कि मेरे पुत्र पर क्या गुजर रहा है। उसी समय जाके बांध ले तो हाथ उमर के गात कमारी तब मैया मैया कही बेटा ने रुधनु कर दो भारी मैया कही बेटा ने रुदन कर दो वारी आवाज देने लगा माँ मैया मेरे पास आ जाओ मुझे बचा लो माँ मुझे बचा लो। अरे हम तेरा तई तो कहा गई सोए हम को लिए बचारी भी लखे तो तेरो यो तारी निका हम को जैसे अपनी मां को आवाज लगाई है उस बालक ने मेरे सज्जनों मैया जहां बर्तन साफ कर रही थी कान में झलक पड़ी कि मेरे कलेजे के टुकड़े को किसने सताया, एकदम भाग पड़ी वो दुखिया और देखा है तो कुछ दृश्य ही दूसरा था बंधुओं। अरे सुनी खबरिया जब मैया ने तू समन पांदे लला हमारी सोई बेटा बेटा कई के भागी जल्ला धन ढिंग पहुंची जाई आज बंधो कुमार मैया ने देखो एकदम छाती लौट लगाई और मैया बेटा दोनों बिलखी अपनों कोई न पड़े दिखाई और भर डिडकारी बेटा रोवे गले में मैया लई थी फसाई और तोलो दुश्मन झटका दीनों और मैया को छुटाई तब मूड मार दो तो धरती से कदम छोड़ दई डिडकार हम घर की मारी बाहर भागी दुश्मन कोई दुख पड़ो दिखाई अरे काऊ जतन से यो गिरधारी मेरे बेटा को लियो बचाई सज्जनों जैसी चंपादे ने देखा कि मेरे पुत्र को
जल्लाद बांध रहे तो मैया पहुंची दौड़कर, और सज्जनों जल्लादों से गिड़गिड़ाने लगी, मेरे बालक को छोड़ दो, मेरे बालक को छोड़ दो, मैं तो वैसे भी बड़ी दुखी मारी हूं, इस बालक को टूटे टुकड़ों से पाल रही हूं, मेरे पुत्र पर ऐसी कौन सी भूल हो गई जो मेरे पुत्र को तुम मारने जा रहे हो, मेरे बालक को छोड़ दो।